नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए झटपट रेसिपी फिर से लेकर के आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मक्के की रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत झटपट बनने वाली है, कोई तामझाम नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं मक्के बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। मक्के बनाना बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाता है। पर आज हम इसे माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, ना ही बिना ओवन के बना रहे हैं, आज हम इसे ओवन में बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स भी है। उसके लिए हम लेंगे, सबसे पहले मैं चॉकलेट मक्के बनाती हूँ, ठीक है। तो चॉकलेट मक्के के लिए हमें चाहिए मैदा, हमें लेना है मैदा सबसे पहले। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 5 टीस्पून मैदा, क्योंकि मेरे पास अभी कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा रही हूँ। मैं यहाँ चॉकलेट ले रही हूँ, स्वीट चॉकलेट है ये, काफी स्वीट है। तो चीनी हमें ध्यान से लेना है और इसे ऐड करने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमें बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा ले लें बेकिंग सोडा, इसे बिल्कुल थोड़ा सा लेना है वरना हमारा केक कड़वा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें जब भी आप केक बना रहे हो। और हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर नमक, ये हो गया। और क्योंकि हमारा केक एगलेस है तो हम इसमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ डाल दे रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते हुए थिक बैटर तैयार कर लेना है हमें। अभी मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार चीनी, थोड़ा सा वनीला एसेंस और बिल्कुल थोड़ा सा हम लेंगे विनेगर। बस हो गया, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बैटर थोड़ा थिक हो रहा है, थिक लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क और ऐड कर दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। ये हो गया हमारा मैदा। अब इसमें डाल दें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक, मिक्स कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से। थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, ध्यान रखें कि कोई भी लम्स ना बने। थोड़ा सा ऐड करें वनीला एसेंस, थोड़ा सा विनेगर और फिर मिक्स कर। ये हो गया हमारा दूसरा बैच और हमारा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। ओवन को आपको 180 सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है, जो कि हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा केक और इसे हम 180 सेल्सियस पे ही लगभग 15 से 20 मिनट तक बेक कर लेंगे। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। ये केक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे ओवन से बाहर निकाल लेंगे। ध्यान से इसे बाहर निकालें, चाय समझ करके हाथ ही से ना उठा लें। लीजिए फ्रेंड्स, केक हमारा रेडी हो चुका है। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से इसमें मैदा कम पड़ गया है, पर आप ध्यान रखें कि जब आप बना रहे हो तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दें अगर आपके पास बड़ा मग है मेरी तरह तो। अगर आपको भी इसी तरह से केक की क्रेविंग हो तो आप भी इसी तरह से मग केक झटपट बना करके खा सकते हैं और इसे आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा केक है तो मैं अभी कोई क्रीम व्हिप नहीं करने वाली हूँ, इसे ऐसे ही खाने वाली हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।